सो वेलकम बैक टू द एरर्स एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोगों को जैसे पता ही है कि जो कोविड के केसेस है वो कितने ज़्यादा निकलते जा रहे हैं हमारे देश में। खैर देखा जाए तो ना हमारे देश में 2 से 3 लाख जो केसेस हैं डेली के देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे देश में के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफ़ी कमी आ रही है। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए देन मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसपे हम जो भी रेवेन्यू जनरेट हो वो मैं सारा का सारा एक एनजीओ को डोनेट कर दूँ। बेसिकली एनजीओ जो है वो हेमकुंड फाउंडेशन है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हेमकुंड फाउंडेशन कितना ज़्यादा वर्क कर रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है हॉस्पिटल्स में। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू जो भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, चाहे वो $1 जनरेट हो चाहे वो $1000 जनरेट हो, जितना भी रेवेन्यू जो है जनरेट होगा वो मैं सारा का सारा हेमकुंड फाउंडेशन को डोनेट कर दूंगा। और ये जो डोनेशन होगी वे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होगी। मैं इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जितना भी जो मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा इस वीडियो के थ्रू वो मैं सारा का सारा आप लोगों के सामने ही डोनेट कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मेरा ही रेवेन्यू नहीं होगा, इस वीडियो में आप लोग भी डोनेशन करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? इस वीडियो पे आपको एड्स वगैरह दिखेंगी, तो जो एड्स का जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैं डोनेट करूंगा। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा जो है व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही ज़्यादा हम हेल्प कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर ये है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करिएगा। तो अभी हम लोग आते हैं हमारी वीडियो वाले पार्ट पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि Xiaomi ने रिसेंटली ही Mi 11 जो सीरीज़ है वो इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, जहाँ पर उन्होंने अपना Mi 11 अल्ट्रा, इसके अलावा Mi 11 X सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 कुछ ऐसे रीजंस जो कि Mi 11 X Pro को एक बेटर ऑप्शन बनाते हैं OnePlus 9R से। जी हाँ दोस्तों, 5 कुछ ऐसे रीजंस होंगे जो कि Mi 11 X Pro को एक बेहतर ऑप्शन बना देंगे OnePlus 9R से। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। खैर इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दैन इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला रीज़न निकल कर आता है डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, अभी डिस्प्ले जो है दोनों स्मार्टफोन्स में काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। दोनों में फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्लेस जो है प्रोवाइड करी गई हैं। वन प्लस में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले जो है वो फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, काफ़ी स्मूथर जो है एक्सपीरियंस रहने वाला है। और वहीं बात करी जाए Mi 11 X Pro के बारे में, देन इसमें आपको E4 एमोलेड देखने को मिलती है। नॉर्मली जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना उनमें आपको E3 एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन अभी इसमें एक अपग्रेडेड लेवल की जो है एमोलेड देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो डिफरेंस की बात करी जाए ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है डिस्प्ले के मामले में, देन यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस निकल कर आता है पीक ब्राइटनेस का। जी हाँ दोस्तों, जो OnePlus 9R है इसमें आपको जो पीक ब्राइटनेस है वो 1100 निट्स की देखने को मिलती है, लेकिन वहीं अगर बात करी जाए Mi 11 X Pro के बारे में देन इसमें आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो जो पीक ब्राइटनेस है काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप आउटडोर में भी जाएंगे देन वहाँ पर भी आपको जो स्क्रीन है वो आपको Mi 11 X Pro की ज़्यादा ब्राइटर देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू OnePlus 9R। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों में आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यहीं पर एक और चीज़ का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर आप लोग गेमर हैं देन आपके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे पास में जो दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले के मामले में ना, वो है सैम्पलिंग रेट। जो OnePlus 9R है इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन इसके साथ में आपको 240 हर्ट्ज़ का सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। और वहीं बात करी जाए Mi 11 X Pro के बारे में, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, साथ में आपको 340 हर्ट्ज़ का सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। तो जो सैम्पलिंग रेट है वो एक ट्रू गेमर को पता ही है कि कितना ज़्यादा जो है मैटर करता है उनके लिए। तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है, अगर आप लोग गेमर हैं, आप लोग एक स्मार्टफोन चूज़ कर रहे हैं दोनों में से, देन मैं कहूँगा कि अगर आप डिस्प्ले के मामले में कोई स्मार्टफोन चूज़ कर रहे हैं ना, देन वो Mi 11 X Pro चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सैम्पलिंग रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 9R। जी हाँ दोस्तों, जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एक स्मार्टफोन के लिए, एक गेमर के लिए। तो परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई मांगता है, हर कोई चाहता है। मैंने ना अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल की थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप एक स्मार्टफोन परचेज़ करने से पहले
क्या चीज़ जो है देखते हैं, जैसे कि प्राइसिंग देखते हैं या फिर कैमरा देखते हैं या फिर बैटरी देखते हैं या फिर उसका परफॉर्मेंस देखते हैं। देन इसमें मोर देन 40% ने यहाँ पर वोट की थी, जिसमें से मोर देन 70% लोगों ने यहाँ पर वोट किया था कि वो एक स्मार्टफोन परचेज करने से पहले उसका प्रोसेसर चेक करते हैं। यानी कि जो मोर देन 70% लोग हैं, अगर हम यूजली भी चेक करें देन हर कोई परफॉर्मेंस ही चेक करता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा मैटर करती है। इसके अलावा यहाँ पर डिटेल्स में बात करें कि परफॉर्मेंस दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की सबसे अच्छी है, देन यहाँ पर शुरू करते हैं OnePlus 9R से। OnePlus 9R में आपको जो प्रोसेसर है वो Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है जो कि बेस्ड है 7 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पर मैंने नैनोमीटर क्यों जो है मेंशन किए, नैनोमीटर साइज किस रीज़न के लिए मेंशन किए, वो आप लोगों को आगे क्लियर हो जाएगा। तो इसके अलावा बात करिए MI 11X Pro के बारे में, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 888 SoC देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है 5 नैनोमीटर वाली टेक्नोलॉजी पे। तो नैनोमीटर कम है, जितने ज़्यादा जो है नैनोमीटर कम होंगे उतनी ज़्यादा पावर एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें अगर बात करी जाए, चाहे CPU परफॉर्मेंस है, चाहे GPU परफॉर्मेंस है, चाहे पावर एफिशिएंसी है, इसमें आपको यानी कि MI 11X Pro में जो आपको ये तीनों चीज़ें हैं ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती नज़र आएंगी एज कम्पेयर टू OnePlus 9R। इसके अलावा दोनों का बेंचमार्क्स देखा जाए ना, देन Antutu के अकॉर्डिंग जो Snapdragon 888 है वो 10% ज़्यादा स्कोर करता है, और वहीं Geekbench 5 की बात करी जाए सिंगल कोर 8% और मल्टी कोर 6% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू Snapdragon 888 SoC। तो परफॉर्मेंस के मामले में जो MI 11X Pro है वो फिर से आगे निकल जाता है OnePlus 9R से। इसके अलावा एक और चीज़ है कि दोनों में आपको LPDDR5 RAM टाइप देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो OnePlus 9R का जो 12GB RAM वाला जो वेरिएंट है ना, उसमें आपको LPDDR4X RAM देखने को मिलती है। इसके अलावा UFS 3.1 दोनों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ना MI 11X सुपीरियर है एज कम्पेयर टू OnePlus 9R। दोस्तों हमारे जो पहले दो रीज़न रहे हैं ये काफ़ी टफ रहे हैं, इसके अलावा जो हम तीसरे रीज़न के बारे में जो बात करने जा रहे हैं ना, ये और भी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है कैमरा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं प्रूव करूँगा आप लोगों को कि जो MI 11X Pro है इसका जो कैमरा सेटअप है ये क्यों बेहतर है एज OnePlus 9R से। जी हाँ दोस्तों, तो जज करने से पहले इसको पूरा ज़रूर देखिएगा पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैमरा सेटअप डिस्कस कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का। तो जो MI 11X Pro है इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। सैमसंग का यहाँ पर कैमरा यूज़ किया गया है, HM2 इमेज सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं बात करी जाए OnePlus 9R के बारे में, इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का बनाया हुआ IMX586 इमेज सेंसर देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलता है, 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी बात करिए कि MI 11X Pro का कैमरा क्यों बेहतर है, देन इसका सबसे पहला रीज़न निकल कर आता है प्राइमरी इमेज सेंसर। जी हाँ दोस्तों, जो OnePlus 9R है इसमें आपको जो सोनी का IMX586 इमेज सेंसर देखने को मिलता है, जो कि लॉन्च हुआ था आज से 2 साल से भी पहले ही हुआ था, 2.5 साल हो गए हैं, और ये सेम इमेज सेंसर आपको Redmi के K20 स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। और वहीं बात करिए Xiaomi Mi 11X Pro के बारे में, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का सैमसंग का बनाया हुआ HM2 इमेज सेंसर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो ये टाइम का कंपैरिजन हो गया, दूसरा रेजोल्यूशन। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है कैमरा डिटेल कैप्चर करेगा। खैर कभी कभी ये चीज़ ज़्यादा मैटर भी नहीं करती है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करी जाए ना, देन ऑन द पेपर ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसमें आपको 9:1 पिक्सल बिनिंग देखने को मिलती है, तो ये जो पिक्चर की डिटेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छी कैप्चर करेगा एज़ कम्पेयर टू OnePlus 9R। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा दूसरा रीज़न है, जो MI 11X Pro है इसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आप 8K या 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि अभी तक की सबसे मैक्सिमम रेजोल्यूशन अवेलेबल है किसी भी स्मार्टफोन में। इसके अलावा जो OnePlus 9R है इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप 30 और 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैमरा के मामले में अगर ऑन द पेपर देखा जाए
देन MI 11X Pro जो है वो फिर से सुपीरियर है एज कम्पेयर टू OnePlus 9R। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है यानी कि फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बैटरी। जी हाँ दोस्तों, बैटरी बैकअप देखेंगे कि कौन से फ़ोन का ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों का बैटरी साइज चेक कर लेते हैं। जो MI 11X Pro है इसमें आपको 4520 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन OnePlus 9R में आपको पूरी 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो 20 mAh का ही क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि 20 mAh का कोई ज़्यादा डिफरेंस तो रहा नहीं है यहाँ पे, तो क्यों? लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि बैटरी के मामले में ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, वो है नैनोमीटर साइज। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले बताया था कि आपको MI 11X Pro में आपको 888 देखने को मिलता है SoC, तो जो OnePlus 9R है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 870 देखने को मिलता है। और अभी यहाँ पर प्रोसेसर का तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन एक और चीज़ है जो कि है नैनोमीटर साइज। जैसे पहले बताया था कि ना कि जो इसका रीज़न है नैनोमीटर साइज क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ वो आपको बैटरी वाले में ही पता चल पाएगा। तो जितने कम नैनोमीटर साइज होगा उतने ज़्यादा जो है ट्रांजिस्टर जो है SoC में फिट हो पाएंगे और उतनी अच्छी वो पावर एफिशिएंसी दे पाएगा। तो पावर एफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा पावर एफिशिएंसी होगी उतना अच्छा जो है बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। जितनी कम प्रोसेसर जो है बैटरी कंज्यूम करेगा उतनी ही अच्छी आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। OnePlus 9R जो है उसमें आपको 870 देखने को मिलता है, जिसमें आपको 7 nm साइज देखने को मिलता है। और जो MI 11X Pro है इसमें आपको 5 nm वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो जो पावर एफिशिएंसी है MI 11X Pro में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर OnePlus 9R के पास में एक और एडवांटेज है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ज़्यादा बड़ा ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि 65W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। MI 11X Pro में 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। ये चीज़ काफ़ी लोग मुझे पता है कि कमेंट करके बोलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक बार चार्ज किया हुआ स्मार्टफोन ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है तो फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। फास्ट चार्जिंग 33W की मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। 1-1.5 घंटे में आपका स्मार्टफोन जो है वो फुल चार्ज हो जाएगा। तो एक बार फुल करने के बाद वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है देन 65W की फास्ट चार्जिंग मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा मैटर करती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। इसको हम वैल्यू फॉर मनी भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको प्राइसिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, इस पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले ना मैं एक और चीज़ भूल गया जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा जो है मैटर करती है एक स्मार्टफोन के लिए। तो जो MI 11X Pro है इसमें आपको IP रेटिंग 53 देखने को मिलती है, जो कि इस स्मार्टफोन को डस्ट रेसिस्टेंट और स्प्लैश रेसिस्टेंट बना देती है। लेकिन OnePlus 9R में आपको कोई भी ऑफिशियली IP रेटिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाती है OnePlus 9R के लिए। तो वैल्यू फॉर मनी वाले पॉइंट पर आते हैं, तो जो OnePlus 9R है और MI 11X Pro है दोनों ही सेम प्राइस पे देखने को मिलते हैं, यानी कि 40,000 के अराउंड देखने को मिलते हैं, पूरे 40,000 के ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि वैल्यू फॉर मनी कौन सा स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है मेरे हिसाब से, देन MI 11X Pro जो है वो एक अच्छा ऑप्शन रहता है OnePlus 9R से। इसका रीज़न ये है कि फास्टेस्ट आपको CPU देखने को मिलता है, अच्छा GPU देखने को मिलता है, पावर एफिशिएंसी भी अच्छी देखने को मिलती है, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फ़ोन है वो भी काफ़ी अच्छी लुक देता है। डिज़ाइन अगर देखेंगे ना काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि OnePlus 9R में आपको अच्छा डिज़ाइन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो MI 11X है ना ये एक स्लिमेस्ट फ़ोन है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में बात कर लूँ, जैसे कि 40,000 के दोनों ही स्टार्ट होते हैं। ऑफ़र की बात करते हैं यहाँ पे, जो MI 11X Pro है इस पर आपको 4,000 रुपये का तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा HDFC के कार्ड से। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए जो OnePlus 9R है इस पर आपको SBI के कार्ड पे 2,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यानी कि अल्टीमेटली जो MI 11X Pro है ये आपको 36,000 रुपये का मिल जाएगा और जो OnePlus 9R है ये आपको 38,000 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी 2,000 रुपये का यहाँ पर आपको गैप देखने को मिलेगा। और अगर आपको 36,000 रुपये में इतना अच्छा एक पैकेज देखने को मिल रहा है देन मैं कहूँगा आप लोगों को MI 11X के साथ में ही जाना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास इन दोनों बैंक के कोई भी कार्ड नहीं है, जैसे कि SBI का और HDFC का कार्ड नहीं है, फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा MI 11X Pro। इसके रीज़न मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करता है, अच्छे आपको स्पेक्स भी देखने को मिलते हैं, ये चीज़ है। तो ये थे हमारे कुछ 5 ऐसे रीजंस
जो कि MI 11X Pro को OnePlus 9R से बेहतर बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन इसको शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि इसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो मैं हेमकुंड फाउंडेशन को डोनेट करूँगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा ताकि इस वीडियो की एड्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जो है रेवेन्यू जो है जनरेट हो, और उतना ही रेवेन्यू जितना जनरेट होगा वो मैं साथ के साथ ही डोनेट कर दूंगा। तो ये थी कुछ बातें OnePlus 9R और MI 11X Pro के बारे में। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे हेल्थी।